गृह जेल एवं संसदीय मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिन के दतिया प्रवास में रहे। रविवार के दिन दतिया में अपने निवास पर लगे जनता दरबार में उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। मंत्री मिश्रा ने सभी के आवेदन लेकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए कहा। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद वे दतिया शहर की गरीब मजदूरी करने वाली महिलाओं के हाथ को सैनिटाइजर करवाया और सभी को खाद्य सामग्री की वितरित की। उन्होंने दतिया सेवड़ा चुंगी बाईपास पर 27 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार ग्वालियर झांसी हाईवे में चुंगी बाईपास का लोकार्पण किया। मंच पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा के साथ दतिया कलेक्टर रोहित सिंह, दतिया SP अमन सिंह राठौर सहित जिले के सभी अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी सेवड़ा के पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भुदोलिया, भूरे चौधरी और पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बीच मंच पर मंत्री ने जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए उन सभी का स्वागत माला पहनाकर किया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने मंच पर से अपने उद्बोधन में कहा कि दतिया शहर को आवागमन में नई गति मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमारा दतिया शहर आगे बढ़े। भांडेर में अगले महीने विद्युत प्लांट का कार्य शुरू हो जाएगा। जाने वाले ग्राहक या कोई भी होगी, हर कार्यकर्ता को अपना फर्ज निभाने का ध्यान रखना। मित्रों, अपने संत राम सरोनिया वहां से रक्षा सरोनिया जी प्रत्याशी, और कांग्रेस के जो सामने दिख रहे इनमें देखना आप जमीन और आसमान का अंतर, उन्हें राम राम करने में भी दिक्कत होगी और हमारा प्रत्याशी इतना सॉफ्ट इतना मुलायम होगा कि उसे झुकने में दिक्कत नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारा दतिया ऊंची उड़ान भरे, सब एक दिशा में आगे बढ़े, और इसलिए हम सबको अपना फर्ज याद रहे, हम सबको अपना उद्देश्य याद रहे। वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीते जिससे भांडेर क्षेत्र का भी हम तेजी से विकास कर सके। दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट।